ओके सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ थोड़ा सा कंफर्मेशन मेरे को कर दीजिए कि आप लोग सभी सुन पा रहे हो। एक बार तुम्हें हैंड खड़ा करके बता सकते हैं आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े हो। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? तभी आप आवाज सुन पा रहे हो? थोड़ा हाथ खड़ा करके मेरे को कंफर्मेशन करेंगे मैं आप लोगों के फिर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा कम है इसके लिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। बलजीत सिंह केवी मैनेजमेंट से एज ए सीईओ फाउंडर बात कर रहा हूँ। तो आज आप लोगों को एक बिजनेस कंसेप्ट के ऊपर एक डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग आप लोगों के साथ। तो उसमें हम आपको क्या बताने जा रहे हैं वो आप थोड़ा डीपली एक कॉपी पेन अगर अपने पास रख लेंगे तो बेटा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो सभी बातें याद नहीं रख सकता। इस वेबिनार के लिए मैंने भी अपने 15 दिन लिए हैं पूरे चैप्टर को पूरा रीड करने के लिए आप लोगों को बताने के लिए। आज सिर्फ आप लोगों में एक डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और इसके साथ साथ हम आप लोगों को यही कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग देंगे जो हमारे साथ ज्वाइन है और डीपली उनको एक साल में हम लोग पूरी वीडियो देंगे एक एक सिंगल सिंगल स्टेप के। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है। तो स्टार्टिंग करें दोस्तों। यस आवाज क्लियर है? स्टार्टिंग करें। हैंड्स करना क्योंकि मैंने आप सभी को म्यूट कर रखा है। हैंड से मेरे को इन्फॉर्मेशन देना आप लोग। ओके थैंक यू प्रथम जी थैंक यू ग्रेट ग्रेट लीडर आप सभी के सभी और अपने अपने बिजनेस के लिए अपने अपने कंसेप्ट के लिए रेडी हो अगर आज आप लोगों ने टाइम निकाला है तो स्टार्ट करते हैं। इसी के लिए हम सबसे पहले एक आपको मैं PPT देने जा रहा हूँ और स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। सभी की सारी अपनी स्क्रीन शेयर पर आ जाइए। चेक कीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो चुकी है या दोस्तों स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास। हमारा डेस्कटॉप आप लोगों को शेयर हो चुका है। साइन से आप कंफर्मेशन दीजिए मेरे को। राइट थैंक यू। देखिए दोस्तों हम लोग केवी मैनेजमेंट से मैं सभी से बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आप लोगों को 100% सर्विस हम लोग प्रोवाइड कराते थे उसके साथ मैं अपने कंपनी के बारे में डीपली आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी क्योंकि मैंने आज का कॉन्सेप्ट ही एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रखा है। सेकंड जो हमारा चैप्टर देखिए आप ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो क्यों आज के टाइम में सक्सेसफुल होने जा रही है क्योंकि हर एक पर्सन अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाह रहा है बट उसको इस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है कि कैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारूँ और क्या मेरा एक निश्चय होना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे निश्चय क्या है आपका तो आप लोग इसको क्लियर ही नहीं कर पाओगे। इंस्टीट्यूशन हमें कैसे करेंगे कि ऑपर्चुनिटी क्या है हमारी। तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में लेके देखो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहला कंसेप्ट क्या है बल्क ईमेल। बल्क ईमेल होती क्या है सबसे पहले तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों की। ये जो बल्क मार्केटिंग हम लोग करते हैं ये सबसे बड़ा कंसेप्ट आज के टाइम में निकल के बाहर आ रहा है क्योंकि पहले क्या होता था कि SEO के बारे में लोगों को मार्केटिंग का पता था। बल्क मार्केटिंग क्या है कि आप लोग इसके ऊपर काम करते हो जो भी तो उसके लिए आप लोगों को जब हम SEO करते हैं SEO के लिए हम डिपेंड हैं किसी के ऊपर। हम गूगल के ऊपर डिपेंड हैं हम सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड हैं बट बल्क ईमेल के अंदर हम क्या सिखाएंगे कि आप लोगों को एक डीपली सिखाएंगे वन टाइम में ईमेल्स कैसे जाती हैं और आपका शेड्यूल कैसे लगता है। अगर आपके पास कोई मेल आ रही है उसका फॉलोअप कैसे देना है आप लोगों ने ऑटोमेटिकली रिवर्ट कैसे देने हैं रिमाइंडर मेल्स कैसे डालनी है। एक आप मेल चाहते हो कि एक मेल आपके पास जो आई है वो हमारे किस स्टाफ को ट्रांसफर हो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी उसका आंसर ऑटोमेटिकली जाएगा और रिमाइंडर मेल्स कैसे काम करती हैं। बल्क मेल के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर आप लोगों को हम डिस्प्ले करेंगे कि आपको डेली एक वीडियो कॉन्सेप्ट देंगे बल्क मेल के ऊपर भी कि हम लोग किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर निकले यार। क्योंकि अगर हम किसी के लिए आज के टाइम में कोई पेड एड लगा रहे हैं पेड एड समझते हो आप लोग पेड एड का मतलब हमने किसी को पेड दिया है लाइक फेसबुक पेड एड लगवाता है यूट्यूब पेड एड लगवाता है इंस्टाग्राम पेड एड लगवाता है तो हमने जो उनपे एक एल्गोरिथम होता है
अल्गोरिथम सर मतलब कि वो अपने जब तक शेड्यूल में नहीं आते आपके साथ, वो आपकी एड को एक आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रनिंग कर देंगे, पर जैसे उनको आपने पैसा खत्म करा तो वो आपका एड खत्म कर देंगे। बट बल्क मेल एक आपकी अपनी ट्रैफिक जनरेट करोगे आप लोग, इसके ऊपर कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा आपका कि अनदर पार्टी आपके साथ आए और उसके साथ कंप्लीट करे, क्योंकि आपने एक मेहनत करनी है जब से सबसे ज्यादा बल्क ईमेल के ऊपर। बल्क ईमेल का कंसेप्ट बहुत बड़ा आप लोगों को शेयर करेंगे हम लोग, सिंगल सिंगल वीडियो आपको इस कोर्स में आप लोगों को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को फ्री दूंगा इस कोर्स को। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आप लोगों का फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक मतलब के यूजर, बट वो यूजर आपने कैसे यूज करने हैं वो सबसे बड़ा कंसेप्ट रहता है। आपका बिजनेस चाहे सेल्स में है, आपका बिजनेस लीड्स में है, आपका बिजनेस सर्विस में है, या आप ट्रेडर हो, या आप एजुकेशन सेक्टर से हो, कैटेगरीज बहुत होती हैं। कैटेगरी को आपने चूज करना है कि हमने कैटेगरी कौन सी लेनी है जिसके ऊपर हम लोग चूज करें, क्योंकि जब तक आप चूज नहीं करोगे उसको हमने सेलेक्ट कैसे करेंगे फेसबुक के ऊपर। हम लोग सभी पेज बना लेते हैं, पेज बनाने के बाद उसको ध्यान ही नहीं देते कि पेज पे हमने क्या काम करना है, कैसे यूज करना है, उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए। आपके फेसबुक पे जो आपने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर मैं, मेरे को एक थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके ओके, थैंक यू। तो फेसबुक का चैप्टर था, फेसबुक क्या है? फेसबुक एक ट्रैफिक जनरेशन है, हमने अपनी ट्रैफिक को कैसे जनरेट करना है फेसबुक के ऊपर। पेज जो आप क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले तो पेज का कंटेंट जो है आपने बड़ा ध्यान में रखना है, उसका लोगो आपका कंपनी का क्या है, वो कैसे प्रोफाइल पेज कर रहा है, वो लोगो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपके सर्विस के अकॉर्डिंग शो होना चाहिए। पेज में जो आप टैगिंग करते हो, टैगिंग कैसे करनी है, किस कैटेगरी को टैगिंग करनी है, आपने किस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है। फेसबुक पे दो प्रकार से आप ट्रैफिक ले सकते हो, एक ऑर्गेनिक एड के साथ, एक पेड एड के साथ। दोनों ऑर्गेनिक एड हमारा खुद का एफर्ट रहता है, आपने कभी भी एड डालना बंद मत करना, क्योंकि कई लोग कुछ दिन फेसबुक को यूज करते हैं फिर हट जाते हैं। फेसबुक के अंदर आपने जो ग्रुप सिलेक्ट करने हैं उसमें ग्रुप सिलेक्ट करने आपको बताए जाएंगे सारे के सारे। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक एजुकेशन प्रोडक्ट मान लेता हूँ मैं, एजुकेशन प्रोडक्ट में आपने किसी को भी अपना कोई सर्विस देनी है किसी प्रोडक्ट की, कोई अपने कोर्स लॉन्च करना है, और आपने जैसे फेसबुक पेज बनाया उसमें ग्रुप्स की ऑप्शन आपको मिलेगी। वो ग्रुप्स आपने सेलेक्ट एजुकेशन बेस वाले ही करने हैं जिनके पास पहले ही ट्रैफिक हो, तो उसी में ही वो ऐड डालनी है, तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और फिर एक हम इसमें सिखाएंगे आपको लीड जनरेशन, कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर लीड जनरेशन कैसे हो रही है, लीड को जनरेट करना सिखाएंगे प्रॉपर, लीड को कैसे जनरेट करा जाता है, और CRM सॉफ्टवेयर के जरिए आपके पास लीड कैसे वापस आएगी, उसमें से किस तरीके से आप लोग उस पर काम कर सकते हो। बट एक चीज का खास ध्यान रखना दोस्तों, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग काम तो कर लेते हैं पर जैसे लीड आती है उसको टाइमली हमने फॉलो ना अगर करा तो आपका एफर्ट बिल्कुल खत्म जाएगा। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक रहता है कि फेसबुक के अगर हमने अपनी एड मटेरियल लगाया है, कुछ भी यूज करा है, और ऑर्गेनिक एड यूज कर रहे हैं हम लोग या पेड एड यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ट्रैफिक को कैसे जनरेट करेगा। इसके बीच में हम लोग आपको क्या देंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक हम आपको कोर्स में शेयर करेंगे सभी को, कि ये कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि हमारा कैटेगरी का वेबसाइट कहाँ यूज हो रहा है, कितना ट्रैफिक हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बड़ा ध्यान रखने योग है जो फेसबुक के आपको ट्रैफिक बढ़ाने में और आपके प्रोडक्ट को सेल करने में काम करेगा, और आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हम लोग हेल्प करने वाले हैं इन कोर्सों के अंदर। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जा रहा हूँ, यूट्यूब। देखो यूट्यूब आज का एक ऐसा कंसेप्ट आ गया है कि आप सभी मोस्टली छोटा बच्चा से लेके बड़े तक यूट्यूब चैनल बनाए बैठा है, और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उनका व्यू क्या है। यूट्यूब एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ गया। अभी अगर पिछली बात करें थोड़े दिन पहले, देखो गेम्स, अभी पबजी गेम के ऊपर काफ़ी बच्चों ने काम करा है, यहाँ तक मिलियन तक ट्रैफिक लेके बैठे हैं बच्चे। हम बिजनेस मैन जिसने से बिजनेस करना था वो सोचता रहता है, डिपेंड हो जाता है दूसरे के ऊपर कि वहाँ पे हम ट्रैफिक करेंगे वो करेंगे, वीडियोस कंसेप्ट ही नहीं बना पाता। तो हम लोग इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देने जा रहे हैं जिससे आपको एडिटिंग करने भी सिखाएंगे, और यूट्यूब चैनल में वीडियो को कैसे हाईलाइट करना है, प्राइवेट वीडियो कैसे यूज करनी है, पब्लिक वीडियो कैसे यूज करनी है। तो इस तरीके से जब हम आपको एक ट्रैफिक प्रॉपर जनरेट करना सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर,
प्रॉपर तरीके से हम लोग आपको कंप्लीट ये एक चैप्टर देंगे यूट्यूब का। बट जब भी हमने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है, सबसे पहले तो अपने माइंड की स्ट्रेटजी को हमने पढ़ना है कि मैंने किस कंसेप्ट के ऊपर मैं चैनल बनाने जा रहा हूँ। हमने उसी कंसेप्ट के ऊपर सोचना और नाम सोचना है। जब नाम सोचते वक्त भी आपने ध्यान रखना कि ऐसा नाम हो जो पढ़ते ही एक को इफेक्ट दे कि ये जो चैनल है किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, ये सर्विस के रिगार्डिंग है, ये एजुकेशन के रिगार्डिंग है, या किसी ट्रेडिंग सर्विस के रिगार्डिंग है, या कोई एवरीथिंग शॉपिंग मॉल के रिगार्डिंग है। जैसा भी आप लोगों का काम है हम उस पर आप लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। आप लोगों ने उसका ध्यान रखना। यूट्यूब चैनल जैसे ही आप क्रिएट करते हो एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले 100-200 सब्सक्राइबर आपके पास बड़ी आसानी से आ जाएंगे क्योंकि आपके लिंक्स होते हैं। बट आप अगर आपने वीडियो डालना बंद कर दिया, रेगुलर वीडियो नहीं डाला, तो आपको जनरेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपने ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि हम वीडियो किस क्या तरह बना रहे, डालें या ना डालें। आपने रेगुलर कंसेप्ट के ऊपर वीडियो देना है। रेगुलर कंसेप्ट के ऊपर जब आप वीडियो दोगे तो धीरे 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 आपकी ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम लगेगा आप यूट्यूब को प्रमोट करने में। किसी के ऊपर आपने डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड का मतलब कि हम सोच लेते हैं कि थर्ड पार्टी को हम पैसा दे दीजिए और उसके ऊपर हम काम करें तो वो हमारे लिए काम करेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसे में कुछ नहीं होगा। विशाल जी थैंक यू आपने ज्वाइन करा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या चीज होती है कि यूट्यूब चैनल जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका साइड में लोगो, नाम, स्ट्रेटजी प्लान, टैक्स क्या है, काम कैसे करा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। विशाल जी आवाज आ रही है आपको? आप कनेक्ट हुए हैं? हैंड से थोड़ा हैंड कर दीजिए बोल। तो ये चीज क्या है कि हमने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर जब काम कर रहे हैं, एक वीडियो हम कंसेप्ट में लेके आते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है। वीडियो बनाते वक्त अपने ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी कभी भी। उस वीडियो के कंसेप्ट को सिर्फ आपने डिस्प्ले करना है कि वीडियो जो हमने लॉन्च करी है वो लोगों तक इस समय तक आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले आप अपनी वीडियो को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार देखिए कि जब तक वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही, अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें कमी लग रही है तो आपने उस वीडियो को एडिटिंग करना ही करना है। बाजी नहीं करनी है मार्केट में तो आने से पहले। जब आप किसी प्रोडक्ट की वीडियो देख रहे हो या बना रहे हो, अपने प्रोडक्ट के, अपनी सर्विस की वीडियो बना रहे हो, तो उसके बारे में बता रहे हो, अगर आपको हल्की सी भी मिस्टेक आपको लग रही है और आप उसको फील्ड में उतार रहे हो, तो क्यों उतार रहे हो दोस्तों? इस कंसेप्ट पे बड़ा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप पिछले तो भी रिपोर्ट एक यूट्यूबर अगर सक्सेस रेशो में आ रहा है तो वो आ रहा है 5 से 10 साल के बीच में। दोस्तों हम दूसरे का देख के कैसे मान लेंगे कि हमारा 4 दिन पहले चैनल बना और हम लोग प्रमोट कर लेंगे? टाइम पीरियड को माइंड में क्रिएट कर लेना कि हमारा टाइम पीरियड लगेगा ही लगेगा यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने में। और प्रमोट करने के लिए हमने बहुत अच्छा कोर्स आप लोगों को देने जा रहे हैं। यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स है जिसमें आप लोगों को डीपली बताया जाएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सभी जितने भी पर्सन आज मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स सारा फ्री रहेगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है वेबिनार का और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर होंगे उनमें डालना है। फिर आपसे एक लिंक दिया जाएगा, उसी पे आपने रजिस्टर करना है अपने आप को। इधर से आपको डेली एक वीडियो बाय मैसेज और प्लस बाय मेल आया करेगी। उस वीडियो के कंसेप्ट को अपने प्रैक्टिकल वे में आपको बताया जाएगा, सिंगल सिंगल स्टेप क्लिक करके कि किसका क्या बेनिफिट्स है। साथ में हम लोग आपको उसकी ई बुक्स देंगे और एक बंडल भी देंगे आपको पूरे पूरा रेडी, जिसमें पूरे प्लान की शेयरिंग होगी आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक बिजनेसमैन को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को, एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, वो अपने आप को कैसे मार्केट में जाए। आज कोविड के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो डिजिटल मार्केट हम घर से बैठे बैठे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना सीखेंगे हमारे इस चैनल के जरिए। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दोस्तों, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आज के टाइम में यंगर जनरेशन बहुत बैठी है और इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर भी पेड एड लगाते हैं। ये फेसबुक और आपके कई जो सर्च इंजन के साथ टाइप है, एक दूसरे के साथ मर्ज हैं। मोस्टली लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अगर अपनी एड, अपनी पिक्स, अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, वो आपका अगर आपने उसको कनेक्ट कर रखा फेसबुक के ऊपर, ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। बट सबसे बड़ी गलती ही यहीं पर कर रहे हैं लोग, वो डिपेंड हो जाता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, मेरा फेसबुक पे ऑटोमेटिकली आ गया। दोस्तों वो एक डिस्प्ले दे रहा है आपको वहां पे, ना कि एल्गोरिथम क्या कर रहा है।
इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिथम है, फेसबुक का अपना एल्गोरिथम है, जिसके जरिए वो ट्रैफिक देगा आपको। आपको दोनों का समझना पड़ेगा। वही समझाने के लिए मैं आपका कोर्स दे रहा हूँ। कई बार हम इंस्टा पर डाल लेते हैं, उसको आप चेक करना, जो आप इंस्टा पे डालते हो वही चीज फेसबुक पे आने में टाइम लगता है, और जैसे आप डिस्प्ले करते हो जो आपने वहां पे शो करा वो शो, एक्चुअली दोनों में डिफरेंट आता है, सिर्फ कनेक्टिविटी है दोनों की आपस में। अगर हम पेड, अगर एक चीज सोचने वाली है कि अगर इंस्टा पेड ऐड ले रहा है तो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पेड जानी चाहिए, तो क्यों वो अलग अलग क्यों जा रहे हैं? वो सिर्फ कनेक्टिविटी है कि वन टाइम है, अगर हमारे पास टाइम ना एक जगह में आप अपनी ऐड कोई भी अपना प्रोडक्ट उस पर डाल दो, इंस्टाग्राम उसको शो करेगा। मुझे इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है, यूट्यूब पे ट्रैफिक है, फेसबुक पे ट्रैफिक है। हमने दोस्तों अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ट्रैफिक को यूज करना सीखना है, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आपने इस कंसेप्ट को धीरे धीरे सीख लिया तो आप घर बैठे लाखों रुपया कमा सकते हो। आपको किसी में जाने की जरूरत नहीं है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपनी सैलरी पैकेज को ग्रो कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए। बट टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, टाइम नहीं दिया तो कुछ नहीं होने वाला, ये क्लियर कर देता हूँ। अगर एक छोटा सा वेबिनार में लगाने लग रहा था तो इसमें कम से कम कितना टाइम लगा? एक हफ्ता, और वन वीक मेरी टीम ने इसको दिया है कि इसके कंसेप्ट को रेडी करने में। आपने तो दोस्तों से काम करना है। नेक्स्ट जो मार्केट की काफी पॉपुलर सर्विस आ रही है, बल्क SMS। ये एक मैसेज ड्रॉप होता है आप लोगों के पास। आपने देखा होगा कंपैरिजन के अंदर, इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा यूज करा गया आज के टाइम में IT को। और हम लोग एक चीज का ध्यान रखना, जब आप एक सोच लेते हो कि सर मैंने एक ऐड बनाई है और मैंने अपने फेसबुक पे डाल दी, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी, मेरा काम खत्म। दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, 5-6-7 जो टूल्स हैं, इनको आप रिटर्न कर लो। अगर आपने एक छोटा सा भी कंसेप्ट बनाया है, इन सभी के ऊपर आपने डालना है, उसमें आपका घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 8 घंटे लगे, जैसे आपका कंसेप्ट है, जितने आपके यूजर्स जुड़े हुए हैं, आपको इनको डेली यूज करना पड़ेगा। फिर आप मेरे से एक हफ्ते बाद कंसेप्ट पे आ जाना, आपको देखोगे आपका बिजनेस, आपका रेवेन्यू में आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि डिपेंड क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, एक पे डाल देते हैं, नेक्स्ट भूल जाते हैं, एक पे एंट्री करा दूसरे पे डाला नहीं। वाई? जब आपने ये सारे टूल्स बना लिए हैं आपने, तो उन पे सभी पे जाइए आप, बल्क ईमेल को लग डालिए, फेसबुक पे लग डालिए, यूट्यूब पे लग डालिए, इंस्टाग्राम पे लग डालिए, बल्क SMS पे अपना मैसेज लग ड्रॉप कीजिए। और इसके बाद जो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम बड़ा अच्छा डीपली जाएंगे हर एक काम के लिए, तो इन सभी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी कि अपने प्रोडक्ट को एट द स्पॉट बचाने की। तो अभी एक व्हाट्सएप ब्लास्टर हमने लॉन्च करा है। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप देख रहे हो, मोस्टली यूजर व्हाट्सएप के ऊपर है, तो व्हाट्सएप ने इन सभी को थोड़ी सी मात दी है। और ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग। ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, उसके ऊपर काम होता है सारे का सारा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाएंगे जिसके जरिए आप 1000 मैसेज ओनली 10-5 मिनट्स में सेंड कर दोगे। और सबसे बड़ा क्या है कि ये जो व्हाट्सएप ब्लास्टर है, ये इसके जरिए आप लोगों को नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है अपने फोन में। आप एक्सेल की शीट को आपने कॉपी करके दिखाना है और उसके ऊपर आपने अपना काम करना है। कॉपी पेस्ट जैसे ही करोगे, इमेजेस लगा सकते हो उसके अंदर, वीडियो लगा सकते हो अपनी इसके अंदर, आप इसके अंदर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बड़ी क्विक सर्विस देगा आपको अपनी बार कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, ये आपने जरूर यूज करना है। इसके बारे में हम आपको बड़ा डीपली देंगे, मेरी टीम आपको सारा। तो मैं अगेन आपसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि वॉइस प्रॉपर क्लियर है आप लोगों के पास? प्लीज गिव मी हैंड। ओके थैंक यू जी, थैंक यू वर्ड फॉर मी जी। जो व्हाट्सएप ब्लास्टर है उसके ऊपर काम कैसे करना है, कैसे उसको कैटेगरी के यूज करना है, सर्विस को कैसे मार्केट में बचाना है, और उसका वर्ड कैसे देना है, फॉलोअप कैसे लेने हैं, ये सारे आपको बड़े डीपली हम लोग बताने वाले हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में मार्केट के अंदर, कि हमने अपने लीड को कैसे जनरेट करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस पेपर काम करना आपको सिखाया जाएगा कम्प्लीट, ये काम कैसे करा जाता है,
किस तरीके से हम लोग इस पे वर्किंग कर सकते हैं सारे के सारे। तो मैं आप लोगों को सभी को कह रहा हूँ कि अभी जितने भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं पर्सन है, सभी के सभी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जो पर्सन भेजेगा उसी को हम लोग अपना कोर्स फ्री देने वाले हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको नहीं आता तो फोटो ले लीजिए अपने मोबाइल से, क्योंकि इसके बाद हम लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसमें हम 100 से लेकर 300 तक वीडियोस आपको देने वाले हैं, जो आपके बिजनेस को सिंगल स्टेप ग्रोथ करेगी और सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर सपोर्टिंग देगी। और उसके साथ हम लोग आपको एक्स्ट्रा सर्विस भी बिजनेस में देंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगेन में आ रहा हूँ आपके पास व्हाट्सएप ब्लास्टर। व्हाट्सएप ब्लास्टर के अंदर आप लोग सर्चिंग इंजन की तरह काम कर सकते हो। बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों को मिलेगा। ये नेक्स्ट जिसका सबसे ज्यादा प्रमोशन होता था SEO मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर एक पर्सन जाता है कि जब भी गूगल की साइट खोलू मैं, मेरी वेबसाइट, मेरा पेज, मेरी एड सबसे पहले है। पर दोस्तों जो गूगल है ना, वो अपना बहुत सियाने तरीके से काम करता है। वो अपने एल्गोरिथम कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है बाय सर्वर। जब हम उस कोशिश करते हैं एल्गोरिथम के ऊपर काम करने की, हमने एक पेड एड किसी को दी, गूगल को पेड पैसे दिए हमने, उसने हमारी वेबसाइट को प्रमोट करने का हमारे से काम लिया। SEO है ही है, सर्च इंजन। अलग अलग टाइप के सर्च इंजन जैसे बिंग हो गया, अपडिक्स हो गया आपका, व्हाट्सएप सॉरी गूगल हो गया है, याहू हो गए हैं, जहाँ जहाँ ट्रैफिक है वो एक सर्च इंजन को प्रमोट करते हैं। सर्च इंजन पे सबसे ज़्यादा काम होता था पहले, कि हर एक कंपनी चाहती थी कि मेरे को प्रमोट करा जाए, कि मैं जब भी मेरी गूगल साइट पे कोई मेरे को काम करे तो सबसे पहले मेरी साइट ओपन हो। तो इसके ऊपर हम लोग आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने, अगर आपको थोड़ा सा किसी को यूजर को ध्यान है, तो इसके अंदर क्या चीज होती है कि ब्लैक हैट और व्हाइट हैट, दो पार्ट लिख लीजिए, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट। ब्लैक हैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी, कि आपने अभी अभी देखो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल की साइट के ऊपर दुनिया भर की ट्रैफिक जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। तो जब भी आपने अपने वेबसाइट का एक प्रमोशन करना है, आपने टैगिंग क्रॉस करनी है, ना के अपनी ही लैंड की टैगिंग करनी है। आपने गूगल को मजबूर करना होता है कि वो इसकी तरफ जाए। जब भी कोई आईपीएल की साइट खोलेगा तो उसमें आपकी वेबसाइट का लिंक हमने ब्लैक कर रखा है, जिसको ब्लैक हैट बोलते हैं। तो मजबूरी गूगल के एल्गोरिथम को उस साइट को ऊपर लेके आना पड़ेगा। जैसे आपकी वेबसाइट, आपका पेज वन टाइम के लिए गूगल के वन कीवर्ड्स पे आ गया, तो एकदम ट्रैफिक बूम देगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाइट हैट क्या होता है, क्या व्हाइट हैट तो हमने एक एड को पेड दिया है, पेड हमने खरीद दी है SEO के लिए, गूगल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया SEO के लिए, उसने जितने हमने पैसे दिए उसको उस तरीके से वो अपनी साइट को लेके आ रहा है। बट SEO के अंदर जैसे ही आपने काम स्टार्ट करा, काम स्टार्ट करते ही आपने ब्लैक हैट को यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको, कि ब्लैक हैट क्या चीज होती है, किस तरीके से इसको यूज करा जाता है और कैसे अपनी ट्रैफिक को हम गूगल के फर्स्ट कीवर्ड्स में लेके आ सकते हैं। गूगल के ऊपर जैसे आप सर्च करोगे तो आपका कीवर्ड कैसे यूज करेगा, जैसे लाइक मैं आपको भी दिखाता हूं, देखिए ये हमारे खुद कंपनी की एक वेबसाइट है, इसमें हम काम करते हैं। मैं गूगल पे जाता हूं, यहां पे मैं के भी लिखता हूं, के लिखते ही मैनेजमेंट आ गया। देखिए तो ये ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक ऊपर देखिए कितना ट्रैफिक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने सेकंड्स में दिख गया ये, 0.63 सेकंड्स में। मैंने कोई पेड एड नहीं लगा रखी, सबसे पहले आता है सिर्फ ब्लैक हैट की वजह से आप लोगों के पास आएगा। आपने इसी ट्रैफिक को हम बढ़ाना सिखाएंगे आप लोगों को, जैसे जैसे अनदर पर्सन आपको यूज करेंगे तो आपके पास वो आता रहेगा सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम करते हैं। सुन पा रहे हो?
आपके पास डिस्कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, सॉरी। अभी मैंने एक मिनट के लिए आपकी शेयरिंग हटाई, आप लोगों से शेयरिंग हट गई क्या स्क्रीन की? आप लोगों को मेरी पिक सामने सब नजर आ रही है? थोड़ी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई थी अभी। हाँ जी नजर आ रही है जी दोस्तों, नजर आ रहा हूँ आप लोगों को, लाइव हूँ। कैसे बोल रहे हैं जी सर? दिख रहे हैं आप? यू आर विजिबल, यू आर विजिबल। ओके राइट, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शॉट शेयर कर रहा हूँ। कैसे बात करते हैं इसमें? ये तो ऑन कर दिया, ये दबाना पड़ता बटन। हेलो हेलो बम दिखा, आवाज नहीं जा रही। ये हेलो नहीं जा रही आवाज ना आ रही है। तो किस चैप्टर पे थे? राइट। हेलो हाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है, दबा के जा रही है बट। एसईओ मार्केटिंग जी? ओके एसईओ मार्केटिंग पे थे हम लोग। ओके सर, प्लीज टेल मी एसईओ मार्केटिंग पे थे हम लोग। थम प्लीज थैंक यू। तो हम लोग एसईओ मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे थे। एसईओ मार्केटिंग होती क्या है, उसके ऊपर हमने काम कैसे करना है, ब्लैक हैट के बारे में बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि ब्लैक हैट कैसे यूज होता है। ब्लैक हैट आपको पूरे कोर्स में मैं यूज करना सिखाऊंगा आप लोगों को सारे को, कि कैसे आपने ब्लैक हैट को यूज करना है, उसके काम कैसे करना है आप लोगों ने, सारा कम्प्लीट इस चैप्टर में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आप लोगों के लिए सेंड व्हाट्सएप ब्लास्टर, जो अभी मैं पीछे बता के आता था। ये आपको व्हाट्सएप ब्लास्टर अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आपका मैसेज ड्रॉप करेगा, ठीक है दोस्तों? अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आपका मैसेज ड्रॉप करेगा, ये फास्ट बहुत ज्यादा है। 1000 मैसेज आपके 10 मिनट में डालेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमें पता नहीं होता कि ये नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन दे दी गई फिल्टर की, जो आप लोगों को सिखाई जाएगी। आपने मान लीजिए 100 नंबर इसमें पेस्ट करें हैं और ये ऑटोमेटिकली फिल्टर करके आपको फिल्टर करके साइड में कर देगा कि ये नंबर व्हाट्सएप के ऊपर है, बाकी नंबर व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बाकी नंबर आपके व्हाट्सएप पे नहीं है तो कैसे, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों ने कुछ नंबर कहीं से परचेज करे या डाले अपने काम के लिए और हमने डाल दिया मैसेज, तो वो नंबर ही व्हाट्सएप पे नहीं होते। तो आपको उसमें फिल्टर लगाया जाएगा, सपोर्ट टीम, हमारी सपोर्ट टीम आपको काफी ज्यादा उसमें सपोर्ट देगी। और रीजनल लैंग्वेज सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये आपका अलग अलग लैंग्वेज में हमने इसको प्रमोट कर दिया है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो इसके जरिए। नेक्स्ट दोस्तों, YouTube के बारे में पीछे भी आपको बता चुका हूं, क्रिएट YouTube चैनल प्रमोट करते वक्त सबसे पहले क्रिएट यूट्यूब चैनल जब करोगे उसको देखना समझना कैसे मेरा चैनल है, किस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा चैनल है, कैसे मैंने काम करना है, कौन कौन से टैगिंग मैंने यूज करने हैं, मैंने कंटेंट्स क्या रखना है, ऑटोमेटिकली मेरी जो प्रमोशन का मैसेज है वो कैसे जाना चाहिए, फॉलो मेरे कैसे रहेंगे, ये कम्प्लीट चैप्टर आपको क्लियर करा जाएगा। कॉन्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जब हम कोई डाइट कर रहे हैं तो आपको कॉन्टेंट हमेशा याद रखना पड़ेगा,
और उसके ऊपर एक माइंड क्रिएशन करना पड़ेगा कि मैं किसी को अगर डिस्प्ले दे रहा हूँ, जैसे कि लोग ब्लॉगर पे काम करते हैं, ब्लॉगर पे कंटेंट्स के बिना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने अपना कंटेंट्स राइट नहीं करा, कंटेंट्स जब आप कोई यूट्यूब के ऊपर किसी वीडियो को डाल रहे हो तो नीचे जो कंटेंट्स लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन में उसमें मैसेज क्या दे रहे हो, क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब ने आपके उन्हीं वर्डों को उठाना है। जब कोई सर्चर आएगा, सर्चर ने क्या करा, सर्चर ने लिखा एक लाइक, किसी ने चेक करा कि मैंने आज के टाइम एक जॉब सर्च करनी है, मैंने करा जॉब सर्च, जॉब सर्च करते ही यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जॉब सर्च के सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। अगर आपने अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर टैगिंग और कीवर्ड्स जॉब के नाम से लिख दिया है तो जॉब सर्च में आपका ऑटोमेटिकली यूट्यूब चैनल आपको प्रमोट करेगा। बड़े छोटी छोटी चीजें कंटेंट्स में ध्यान रखनी पड़ती है। अपलोड यूट्यूब वीडियो, आप लोग बिना सोचते समझे कई बार वीडियो अपलोड करने लग जाते हैं, कीजिए, क्योंकि ये भी जरूरी है कि वीडियो अपलोड करना भी पड़ेगा, बट उसको अपनी वीडियो को बहुत बार देखिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपका चैप्टर क्लियर नहीं है, बीच में डिस्कनेक्टिविटी है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सारे के सारे कि हमने कहाँ चीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टैग्स। मोस्टली टैग्स लोग अपने फोटो कर देते हैं, चलो जिसको वीडियो बनाया हमने उस पर टैग्स कर देते हैं, अनदर पार्टी को टैग कर देते हैं, नो दोस्तों, अगर कुछ जिंदगी में कमाना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो अपने आप को मानना पड़ेगा, आपको अपने आप जिंदगी में सफल होने के लिए खुद मरना पड़ेगा, ना कि दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा। बिजनेस को ग्रोथ देनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो हमारे पास आप आइए, हम वो आपको पूरा प्रूव करके देंगे, बट प्रॉपर तरीके से उसको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। टैग्स कैसे कैसे यूज करने हैं, टैग्स होता है दूसरी पार्टी को, किसी यूजर को, हमें उसके वर्क को सिखाना। टैग्स क्या काम करता है, वो टैग्स किस शब्द पे हैं, किस कंसेप्ट के ऊपर है, काम कैसे हो रहा है, कैसे यूज करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है इस चीज के ऊपर। हमने एक लिस्ट को उठा लेते हैं और चलो फ्रेंड्स को ट्रैक कर दिया, कंपनी को, भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, पहले उस प्रोडक्ट की लिस्ट के अपने ग्रुप्स लेके आइए, उनको ही टैग कीजिए। तो इसमें मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपको लिंक क्या रहेगा, जिसमें आपको टैग्स फाइंड करने का लिंक हम लोग सिखाएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। मान लीजिए एक पर्सन के यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर मिलियन जा रहे हैं, तो उसने एक वीडियो डाला था, इसमें मिलियन बिलियन काफी सब्सक्राइबर्स लाइक्स है, उसको कमेंट्स आए, तो उसके टैग्स देखने का है क्या चैप्टर है, कौन सा यूआरएल है जिसके ऊपर टैग्स जाएगा, ये टैक्स बहुत बड़े मैटर है, तो वो मैं आप लोगों को में सिखाने वाला हूँ कि टैक्स कैसे यूज करने हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन गूगल एड्स। दोस्तों गूगल एड्स का अकाउंट ही नहीं पता होता लोगों को, तो पहले कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि गूगल एड्स कैसे लगती है। जब हम गूगल एड्स लगाते हैं, क्योंकि आज मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ओनली कोर्स के अंदर, धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिकल वे में आपको लेके आऊंगा सारी चीजें अगले वेबिनार में, एक एक चैप्टर के ऊपर भी गूगल एड्स पे कैसे ऐड लगती है, यूट्यूब कैसे होता है, टैग्स कैसे होता है, बहुत बड़ा चैप्टर और बूम है सर मार्केटिंग के अंदर ये सारा काम, हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते कि हम लोग ट्रैफिक जनरेट करते हैं। एक किराना स्टोर वाला कितने होता है, अपनी कॉलोनी कॉलोनी में वो माल बेचता है फिर भी वो सफल होता है, क्योंकि उसकी कॉलोनी की टैगिंग है। दोस्तों हम लोग तो इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, इस युग के अंदर हम लोग क्यों अपने घर बैठे फ्री बैठे हैं, मैं कहता हूँ कोविड में लोगों ने प्रॉब्लम करिया है ना, मेरी टीम ने बड़ी अच्छे तरीके से केपी ने और सीसी वाला ने बहुत जबरदस्त कोविड में काम करा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेटिंग पे थे। आप लोग क्यों नहीं सीखते, सीखना पड़ेगा दोस्तों आज के टाइम में, तो उसी सीखने के लिए आज सबसे बड़ा चैप्टर तो ये है कि आपने मेरा वेबिनार ज्वाइन कर रखा है, वेबिनार आपने ज्वाइन करा है बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करता हूं मैं, थोड़ा टाइम कम पीरियड रह रहा है क्योंकि थोड़े टाइम में खत्म होने वाले हैं सर। नेक्स्ट, थंबनेल को कैसे यूज करना है, हमने उसके ऊपर कैसे कंसेप्ट पे काम करना है। थंबनेल एक फिक्स होती है तो डिस्प्ले पे करती है, बल्क ईमेल मार्केटिंग क्या है, लैंडिंग पेज क्या है। लैंडिंग पेज एक वो पेज होता है जिसको हमने एक सिंपल एक अपना सिंगल एक पेन सेल करना है, या अपना एजुकेशन सेल करनी है, या अपने प्रोडक्ट सेल करना है। मान लीजिए आपने उसकी एड मटाई है और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया है, बट जब भी वो पेज खोलेगा आपकी वेबसाइट भी खुलेगी। यूजर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है, आपकी लैंडिंग पेज को बोल जाता है कि आप बेचना क्या जा रहे हो,
लैंडिंग पेज ओनली वही डिस्क्रिप्शन करेगा जो आपका पार्ट है, उसको भी हम सिखाएंगे आपको। सब्सक्राइब कंटेंट लिस्ट कैसे क्रिएट करी जाती है, प्रोफेशनल ईडीएम प्रोफाइल, देखो ईडीएम प्रोफाइल बनाना बड़ा मुश्किल है। ईडीएम प्रोफाइल क्या होता है, एनर्जी डाटा मैनेजमेंट होता है कि आपने अपनी एनर्जी जो डाटा मैनेजमेंट रेडी कर रहे हो अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वैसा आपका प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्रिएट करना सिखाया जाएगा सारे के सारा, ऑटोमेटिकली फॉलोअप कैसे लेना है, आपने लीड जनरेशन करनी है अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर, लीड जनरेट करना बड़ा मैटर करता है, ब्लास्ट टारगेटिंग मेल्स कैसे करनी है, एक ही बार में लाखों मेल्स लोगों को भेजनी है, वेबसाइट को सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ाना है, आपने ये बल्क मेल आपको कराएगा सारा काम। और आज आपने ज्वाइन करा मेरा इसके लिए, तो मैं काफी हद तक आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाया हूँ। इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी आप अगेन द्वारा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की कॉपी पर लिख लीजिए जहाँ से आपने एक कोर्स ज्वाइन करना है, कंप्लीट सेटअप है, रेडी करना है, और हम लोग अभी मेरी टीम आपको थोड़ी देता है, आपको लिंक भेजने स्टार्ट कर देगी, और काफ़ी हम वर्क भी आप लोगों को देंगे इसके ऊपर। तो ये एक गूगल की साइट पे आप लोगों ने जाना है दोस्तों। अगर आपने हमारा कोर्स अभी ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो ये एक साइट है हमारी डिजिटल CCE digital.com, इसको खोलिए सारे के सारे, इसको नोट कर लीजिए CCEdigital.com। थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दीजिए कि सभी को हम लोग दिख रहे हैं पार्टिसिपेशन, हाँ जी जी पार्टिसिपेशन पर्सन, ओके कौन सा है, CCEdigital.com, इसमें आपने ऑन करना है, नीचे आना है डिजिटल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे क्लिक करना है, व्यू पे जाना है, पे जाते ही आपको कोर्स मिलेगा। और इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, आपको मार्केटिंग फंडामेंटल सारे सिखाएंगे, कंटेंट स्टेज भी आपको बताएंगे, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग ऑर्गेनिक कैसे होती है, पेड कैसे होती है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, ये निरपोट आपको बड़ा डीपली बताया जाएगा उसको। आपने नोट करना है, इग्नोर करते ही आपने अपना सारा डिटेल डालनी है। और ये 1000 की पेमेंट है, ये इन पर्सन के लिए नहीं है जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जैसे आप अप्लाई करोगे पेमेंट की ऑप्शन आपके पास आएगी, आपने पे नहीं करना, हमारे पास आपका डाटा आ जाएगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको बाय बल्क SMS और आपने जो मेल आईडी डाली है उसके जरिए एक वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। और बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको चैट रूम देंगे, टीम के नंबर शेयर करेंगे, उन नंबरों से आप फॉलोअप कर सकते हो। इस कोर्स का पूरा आपने फायदा लेना है दोस्तों। देखो फ्री कोई चीज दी जाती है, लोग उसको ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमने कंप्लीट करनी है दोस्तों, इसको कंप्लीट हमने सीखना है, जो जो कमियां रहेंगे हमारे से पूछते रहना है आप लोगों ने, और डेली में आप लोगों को कुछ अपडेट देता रहेंगे हम लोग सारे के सारे। और नेक्स्ट आपने एक साइट से हमारी नोट कर लीजिए, अगर किसी ने इसमें हमारे साथ मिलकर एज ए फ्रेंचाइजी भी वर्क करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक फ्रेंचाइजी है सर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फ्रेंचाइजी का, तो इसमें जो कोर्स हमारा फीस 1000 रुपया है, अगर आप लोग इसके साथ जुड़ के किसी और को यह कोर्स सेल करते हो तो आपको 40% कमीशन ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो दोस्तों आज ही एक मैंने आपको वर्क दे दिया है कि अगर आप 1% 10% को भी यह कोर्स ज्वाइन करता है आगे, तो आपके पास 400 रुपए उसके हिसाब से आ जाते हैं। तो इसको जनरेट करना आपने सीखना है, आगे जाके काम करना आपने सीखना सारे के सारा, कैसे हमने काम करना है। नेक्स्ट एक साइट है हमारी, इसमें ही जिस पे आप सर्विस के अंदर भी काम कर सकते हो, KB मैनेजमेंट, नोट कर लीजिए दोस्तों KBmanagementservice.com। हमारे साथ पर्सन है वो इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ये एक हमारी प्रोडक्ट सर्विस कंपनी है जिसके अंदर हम लोग सारे के सारा डाटा देंगे आप लोगों को कंप्लीट। किसी को ISO कराना है, वेबसाइट बनानी है, काम करना है, इसके अंदर भी आप हमारे पार्टनर बन सकते हो और पार्टनर फॉर्म आपका यहीं से हो जाएगा लॉगिन, बिकम ए पार्टनर, ये फॉर्म आपने फिल करना है, उसको रजिस्टर कर देना है और आपके पास एक मेल आ जाएगी और वेरिफिकेशन आपने करनी है
तो आपका डेली टीम आपको एग्री करेगी। दोस्तों इसको आपने बहुत ज्वाइन करा, थैंक यू आपने इसके साथ काम करा हमारे साथ। आज का वेबिनार मैं यही थोड़ा कंप्लीट करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को साथ के साथ हमारी टीम आपको अभी कुछ मैसेज ड्रॉप करने स्टार्ट कर देंगे हम लोग। स्क्रीन शॉट आप जरूर शेयर करना और एक नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, चैट रूम के ऊपर आप नंबर नोट कीजिए। नंबर नोट करिए जरा, वो रखा था, ये ले ये ले ले। बोल रहा हूँ, आने तो दे, बोलो नंबर बोलो। ये दोस्तों देख पा रहे हैं? कहाँ नंबर आपने भी? ओके ये रहा। यस हेलो, सुन पा रहे हैं? ओके थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चैट रूम में अभी बोल लेगा तभी तो बोल लूंगा। नोट कर लीजिए, 9923 अब आएगा मिस्टर रजत। मिस्टर रजत दोबारा कर जो के एजुकेशन आपको डिजिटल के लिए जो भी कोर्स आप लिख देंगे, इनका नंबर नोट करके आपने इनके नंबर पे स्क्रीनशॉट देना है सारे के सारा। मिस्टर रजत आर ए जे डिपार्टमेंट वाले भेजते नहीं है, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। जे ए टी मार्केटिंग मैनेजर एम ए आर के ई टी आई एन जी मैनेजर एम ए एन ए जी ई आर एम ए एन 7206 2 एम ए एन ए जी ई आर 72 दूसरा नंबर नोट कीजिए 6 2 7 2 0 6 2 3 7 3 9 2 0 4 4 9 3 जो हमारे एच आर है 4 6 2 एडमिन मैनेजर 3 9 3 7 मिस्टर विकास 7 3 7 7 2 कोई भी किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सर को आपने व्हाट्सएप पे करना है, एक और है फीडबैक लेना है। एक और लिख विकास शर्मा एडमिन बी आई के ए एस वर्मा बी ई प्रॉब्लम के लिए आर एम ए कंप्लीट एडमिन एडमिन लिख दे ए डी एम ए आई एन अच्छा 9 2 सर ये जो दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं ना आप अपनी आवाज को म्यूट करिए 2 1 8 5 1 किससे आपने बात करनी है, कैसे किससे आपने बात करनी है। ओके दोस्तों 5 1 आज के लिए धन्यवाद आपका 9 2 5 4 2 1 8 5 1 आपने आज हमारा ज्वाइन कराया, थैंक यू दोस्तों। बस ठीक है, बस इतना ही है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अभी आप वेलकम सर, वेलकम साथ के साथ ज्वाइन कीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यूजर बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जेबल जी, भरत ठाकुर जी, पत्रम गुलाटी साहब, सभी का धन्यवाद आपका। प्रधान नोट साहब एक्सर से हैं, दिनेश कुमार जी द रॉक लगी रोक रहे हैं, ओके चलते हैं। दीवान जी सभी की सभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, वैल्यू बहुत निकाल के दूंगा आप लोगों को इसकी, मैं इसको ज्वाइन कीजिए। आपको डेली हम टच में रहेंगे आप लोगों के साथ, खुश रहो और अपने अपने बिजनेस को बढ़ाओ। अभी तो आपको मैंने आपको थ्योरेटिकल वेज बताया, पर जब प्रैक्टिकल वेज देखोगे इसका आप बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने आपको बहुत अच्छा दिया। मेरा नाम बलजीत सिंह होता है और हरियाणा अंबाला में हमारा हेड ऑफिस है और पूरे इंडिया में 700 ग्राहकों के साथ काम करता हूँ।
और आने वाले दिनों में आपको बहुत चाहिए, आप लोगों को सभी को लेके चलने वाला हूँ कि सभी मेरे जो यूजर है मेरे साथ जुड़े हुए लाखों रुपए कमाए, और मैं आप लोगों को दोस्तों कमाना सिखा दूंगा सभी को। सिर्फ आपने टाइम देना अपने बिजनेस के अंदर, आप लोगों ने सभी ने, मैं आप लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला हूँ। आप अपने अपने बिजनेस में काम करना, ना कि हमारे साथ काम करना है। आपको एक स्ट्रेटजी प्लान दिए जाएंगे पूरे कंप्लीट, आपको बिजनेस को कंसेप्ट को पूरा क्रिएट करने का एक प्लान देंगे हम लोग, तो आप लोगों ने सभी ने मिलकर करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद अगेन, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बलजीत सिंह सोता सीईओ हूँ मैं, फाउंडर हूँ केबी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ा कंसेप्ट मेरे लिए दिया गया है, इसको मैंने कभी भी नीचे नहीं आने देने वाला हूँ मैं। और अपने ड्रीम्स जरूर रखा करो, ड्रीम्स और गोल्स अगर आपने अपने सेट नहीं करे लाइफ के अंदर तो कुछ नहीं करा, तो ये बहुत जरूरी होती है दोस्तों। ड्रीम्स तो डेफिनेटली आप क्रिएट करो, ड्रीम्स को सोते वक्त मत देखो, जागते वक्त देखते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज्वाइनिंग, खुश रहो दोस्तों, वेलकम नेक्स्ट सेमिनार, धन्यवाद। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस गुड अपॉर्चुनिटी।